এসো এসো আসরে, শ্রীমধুসূদন এসো এসো আসরে, শ্রীমধুসূদন আমার হৃৎকমলে দ্বাদশ দোলে, হৃৎকমলে দ্বাদশ দোলে সাজিয়েছি পূজা আসন শ্রীমধুসূদন, এসো এসো আসরে শ্রীমধুসূদন। ডাকি তোমায় সকাতরে, ওহে রাখাল সখা, প্রাণ খুলিয়া ডাকলে তোমায় দাও তুমি দেখা, ডাকলে তোমায় দাও তুমি দেখা, আমার ভক্তি মূলে অশ্রু জলে, ভক্তি মূলে অশ্রু জলে ধোয়া বরা তোল চরণ শ্রীমধু, এসো এসো আসরে শ্রীমধুসূদন। জানি তন্ত্রে মন্ত্রে পূজার বিধান, স্তুতি নহি জানি নহি জানি চিত্ত হয় ভীত মো, বিষয় বিষে সশঙ্কিত শচীন্দ্র মো, ভীত মো বিষয় বিষে সশঙ্কিত শচীন্দ্র মো, রক্ষা করো
भगवते वासुदेवाय ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्देव परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद् गीता अथ गीतार्मङ्गलाचरणं प्रारम्भम्। ॐ पार्थाय प्रतिवधीतं भगवता नरेण स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराण मुनिना मध्ये महाभारते ॐ अद्वैतोऽमृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टदशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः। ॐ प्रपन्नो परिजाताय तत्रवेत्रैकपाणे ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतमृतुदेहे नमः। ॐ सर्वोपनिषदो गाभो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थवत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतगमः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचारुनवरधनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अभीष्मद्रोणतडजयद्रथजला गान्धारनिलत्पला शल्लग्रहवति कृपेण वहनिकर्णेन विलाकुला। ॐ अश्वत्थाम विकर्ण घोर मकर दुर्योधनवर्तिनि सोत्तीर्णा खुल पण्डवै रणनदी कवर्तकः केशवः। ॐ परासुर्यवससरो जमलं गीतार्थगन्धोत्कटं नणखान ककेशरं हरिकथा सम्बोधनबोधितम्। ॐ लोके सज्जन षट्पदै रह अरह पिप्यमानं मुदा
भुवद भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः स्नेहसे मुखं करोति वाचलं पाङ्घुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा पुरुनेन्द्ररुद्र मुरुस्तम्बन्ति दिव्यस्तवर् वेदोई सौग पदक्रम उपनिषदर्गयन्त्यंसावगः ओम धेनेन वस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्संतं विदुः सूर असृगण दवै तस्मै नमः ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तत जय मुदीर अथ मंगलाचरणं समाप्तं आम्यदस्करं परिभ्राष्टं मत्रहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादजनार्दनं जय गीता जय गीता जय गीता गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दाओ गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दा गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दा गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दाओ गीता मा भजने गीता मा पूजने गीता मा चरणे मुंटी दाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता अत गीतार षोडश अध्याय दैवासुर संपद विभाग यज्ञनामकं श्री भगवान वाच ओम अभयं सत्व संशुद्धि जनयग व्यवस्थिति दनं दमश्च यज्ञश्च सद्दस्त पारजवम् अहिंसा सत्तम क्रोधो त्यागो शांतिरपैशुनम् दयाभूत सुललोकम् मार्धवं रीर चापलम् ओम तेजो समा धृति शोचम् अद्रोह नतिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारतो दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो परिश्रमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदं आश्रिम
दैवी संपद विमोक्षाय निबंधा सुरीमता मा शुच संपदं दैवीं अभिजात होसि पांडव। ओम दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् दैव आसुरये वच दैव विस्तरसह प्रोक्त आसुरं प्रार्थमे शृणु। ओम पब्रीतिंच निवृतिंच जनना विदुरासुरा न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। ओम असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरुनेश्वरं अपनस्परं संभूतं किमन्नत्कमहितकम्। ओम एतां दृष्टिम अवष्टभो नष्टात्मानोहल्पबुद्ध्यः प्रभवन्तग्रकर्मणः सया जगतो हितः। ओम कमम आश्रित्य दुष्परं दम्भमानमदन्नितः महत्कृत्य सद्ग्रहं प्रवर्तन्ते हशुचिव्रता। ओम चिन्तम परेमयांच प्रलयन्तम उपश्रिता काम उपभोग परम एतावदिति निश्चितः। आशा पाशा शतिर्बद्धा काम क्रोध परायण यहन्ते काम भगार्थमन्यनार्थ संचयन। ओम इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। ओम असो मया हतः शत्रु हनिष्ये च प्राणपि ईश्वरहमं भोगी सिद्धहं बलवान सुखी। अमड्डोऽपि जनमनस्मि कहिन्नास्ति सदृशमा इक्षे दशमे मदिष्यो इत्यज्ञानविमोहितः। ओम अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समवृता प्रसक्तः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु शुचौ। ओम आत्मसंभावितस्तब्धा धनमानमदन्नितः ये जन्ते नम यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। ओम अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसीतः ममात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तः भूसूयकः। ओम तन् अहं दिशत क्रूरं संसारे सुनराधवं क्षिप्रं अजस्रं अशुवन् अश्विनिष्वेव योनिषु। ओम अशुरीं योनिमापन्न मूढ़ जन्मनि जन्मनि मम प्रप्यव कंत्य ततो यन्तधमंगतिम्। ओम त्रिविधं नरकेस्वेदं द्वारं नाश्रमतमनः कामक्रोधस्तथा लोभो तस्मादत्रं त्यजेत्। ओम एतर्विमुक्तो कंत्य तमोद्दारस्त्रिविर्नर होइ आचार्यतात्मनः श्रेय स्ततुयाति परंगतिम्। ओम ये शास्त्र विधि निश्चिज्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परंगतिम्। ओम तस्मशास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य कार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्तृर्विहारहसि। ओम इति श्री महाभारते शतसहस्रायं संहितायं वयासिक्यं भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायं योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसंपद्विभागयगणामकं षोडशाध्याय। ओम यदस्करं परिभ्राष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्व तत्प्रसादज्जनरधनं। जय गीता जय गीता जय गीता। षोडश अध्याय এই অধ্যায়ে শ্রী ভগবান বলিলেন হে অর্জুন যারা কর্মফলে দৈবী সম্পদ ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে তাদের নির্ভীকতা
चित्त शुद्धि ज्ञान जोगे निष्ठा दान संयम यज्ञ वेदपाठ तपस्या सरलता अहिंसा सत्य क्रोधहीनता त्याग शांति परदोष कीर्तन ना करा लोभहीनता मृदुता असत्कर्मे प्रवृत्तिते लज्जा अचंचलता तेज क्षमा धैर्य शुचिता हिंसा ना करा अनभिमान प्रवृत्ति सात्विक गुण जन्मे हे पार्थ दम्भ दर्प अभिमान क्रोध निष्ठुरता एवं अज्ञानता एगुली आसुरी सम्पद अभिमुखे जात व्यक्तिर होया थाके दैवी सम्पद मोक्षेर हेतु एवं आसुरी सम्पद बंधनेर कारण बलिया जानिबे आसुरी प्रवृत्ति सम्पन्न मानवेर मध्ये कि शौच कि आचार बा कि सत्य एई सकल किछुई नाई ताहारा एई जगत्के असत्य अर्थात स्त्री पुरुषेर परस्पर मिलन सम्भूत एवं कामई एकमात्र कारण बोले मने करे मरणकाल पर्यन्त अपरिमित चिंता आश्रय करिया ताहारा काम उपभोगकेई परम पुरुषार्थ ज्ञान करिया उहाते स्थिर निश्चय होया एवं शत शत आशारूप रज्जु द्वारा आबद्ध एवं काम क्रोध परायण होया काम उपभोग साधनार्थ अन्याय पूर्वक अर्थ संचये यत्नवान हन अद्य एई मनोहर वस्तु लाभ करिलाम एई अभिलषित वस्तु परे पाइब आमार एई धन रहियाछे आबार एई धनो आमार हईबे आमी एई शत्रुके संहार करियाछि अपर शत्रुगणो संहार करिब आमी सर्वशक्तिमान आमी भोगी आमी सिद्ध आमी बलवान आमी सुखी आमी धनाढ्य आमी कुलीन आमार समान आर के आछे एई रूपे अज्ञान विमोहित हइया विक्षिप्त चित्त द्वारा मोहमय जाले समावृत एवं कामभोगे अभिनिविष्ट चित्त हइया उहारा क्लेशमय नरके पतित हय श्री भगवान पुनराय बोलिलेन हे अर्जुन आमि एई सकल देश परायण क्रूर कर्मा नराधिगके संसारे आसुरी जनिते अनवरत निक्षेप करिया थाकि हे कुन्तेयो ओई सकल मूढ़गण जन्मे जन्मे आसुरी प्राप्त हइया आमाके प्राप्त ना हइया तत् अपेक्षा निकृष्ट गति प्राप्त हइया थाके काम क्रोध एवं लोभ एई तीनटी आत्मविनाशेर मूल कारण एई जन्य এই তিনটিকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে হে অর্জুন নরকের দ্বার স্বরূপ কামাদি তিনটি হইতে বিমুক্ত মানব আপনার শ্রেয় সাধন করিতে পারে এবং পরে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্বক কামাচারের অনুবর্তী হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয় সে সিদ্ধ সুখ ও পরমাগতি লাভ করিতে পারে না অতএব হে অর্জুন কর্তব্য কর্তব্য নির্ণয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ তুমি শাস্ত্রবিধি জ্ঞাত হইয়া স্বীয় অধিকার অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হও তাই জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হৃদয় কুরুক্ষেত্রের মাঝে আসুর এবং দৈবী প্রকৃতির মধ্যে যে যুদ্ধ চলছে প্রতিনিয়ত সেখান থেকে আসুর প্রবৃত্তিকে পরাস্ত করে দৈবী ভাবের জাগরণ করার জন্য শ্রীগীতায় সমগ্র মানব জাতিকে ডাক দিয়েছেন বলেছেন জগৎগুরুর কৃপায় দূর হবে সকল অজ্ঞানতা হৃদয় আকাশ উদ্ভাসিত হবে দিব্যালোকে